दिल्ली सीमा से किसानों की वापसी शुरू हो चुकी है। अभी किसान काफिले में नहीं आ रहे, लेकिन किसानों ने पंजाब जाना शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र के उमरी चौक पर लगे भंडारे में आज सैकड़ों सेवक किसानों का सम्मान करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में आ रहे हैं, उनका फूलमाला और फूलों से स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों के लिए जलेबी, पकौड़े, नाश्ता, खीर बनाया गया है। और इन किसानों का कहना है कि जब तक किसान पंजाब की ओर चलते रहेंगे, हमारा लंगर भी जारी रहेगा। किसान काफ़ी खुश हैं और आने वाले किसानों को हीरो की तरह सम्मान दिया जा रहा है। भाई लंबा सफर तय करके पहुंचे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास गुरजीत सिंह झांपर तो चलिया सीगा, पहला इतने सिंगू बॉर्डर आया 26 तरीक 27 नूं, फिर इतने बोल के फिर मैं वापस पिंड गया। वो तो बरगाड़ी पहुँचा जिते गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई सी, वो तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके 29 तरीक सत सिमरनजीत सिंह मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ी दतीप मैनू चिट्ठी वो गवर्नर साहब नूं एस पी मलक नूं देनी सी। फिर मैं कहिंदे वी तूं बाय फ्लैट चले जा, मैं कहा नहीं, मोटरसाइकिल ते जज्बा दिखाइए, आपां हर एक दे नाल खड़े हैं ह्यूमन राइट्स के वास्ते। साढ़े उत्थे शिलोंग दे सिख हैगे, पंजाबी हैगे, हरिजन कलोनी है, उन्होंने उत्थों डिरीलोकेट करन दे ऑर्डर होए हुए है। गवर्नर साहब ने मैं जाके गुवाहाटी तो गल की, वो कहिंदे वी तुहाडा जिहड़ा मसला सी पहल दे आधार ते आधार करांगे हल। ते काफ़ी खबर उत्थे भी छपी अंग्रेजी अखबारां च, फतेह हुई है। हाँ जी, हुण फतेह उत्थे भी फतेह हो जाणी है। तो उन्होंने पूरी छोट दी है, मैंने छोटी दी है भी होगा काम। तो इतने फिर सिंगू बॉर्डर से मैं हाजरी राति जश्ना शामिल होए, अज मैं उतों हूँ संभाल के तो चलिया। तो हूँ फतेहगढ़ साहब जा रहे, कल फिर इतने संगत कट्ठे करके स्वागत करा। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मीडिया का जो लगे हुए हैं। मेरे नाम गुरजीत सिंह झांपर, तो वाहेगुरु भला कर। फुलमाला ढोल नाल लंगर जी, पकौड़िया का, जलेबिया का, लड्डू का, मठिया, खीर, प्रशादे, हर तरह की तैयारी है जी पूरी। और फुल जोर शोर नाल साडी सारी इलाके की संगत स्वागत कर रहे हो तुसीं। स्वागत जी, ढोल भी लिया, फुलों की माला उन्होंने पा के, तो अपना लंगर बन रहा जी सारा। लड़ाई लड़ी थी भंडारा चलते रहे, पूरे पिंड ने सारे इलाके ने मदद की, लगे रहे भंडारे। हाँ जी हाँ जी, फतेह का दिन आया, क्यों महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी का दिन है जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। जिस दिन इन्हें गुरु नानक देव जी के गुरपुरब का ऐलान किया मोदी ने, उस दिन तो बहुत खुशी सानू जी। और ये जित तो होनी होनी सी जी, ये हक सच की लड़ाई सी, और ये जित तो निश्चित सी जी, और ये चलते रहना जी उन्ना चर जिन्ना चर पंजाब की संगत वापस नहीं जाती। असी इत उठ के असी भी नहीं जाते जी, सारी पंजाब की संगत वापस जाएगी। साढ़े सारे इलाके का बड़ा धन्यवाद जिन्हें बहुत सहयोग किया साडा जी, और हुण भी सहयोग कर रहे हैं तुहाडे सामने जी सर। सब तो पहला तो वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। तो थोड़े सारे दर्शकों, तो सारे किसान वीरां, सारे योध्यां बहुत बहुत मुबारक जिहड़ी जित असी हासिल की है। तो एक साल का जिहड़ा साडा एक छोटा जिहा उपराला असी भी करते रहे हैं, पर असली जित उन शहीदों के नाँ जिहड़े 700 उत्ते साडे शहीद होए ने योधा, तो साडे लीडर साहिबान, तो साडे बजुर्ग, तो नौजवान शक्ति जिहड़ी दिल्ली के बार्डर से डटी रही, तो होर भी सारे जगह जगह मोर्चा ते लंगर लगे ने, सारे ने अपना सहयोग दिता, सारे नू लख लख वधाई। तो यह एक प्रमाण है कि सच्चाई की जित हमेशा हुंदी है, तो झूठ कदे टिकदा नहीं। टाइम लग सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि झूठ की जित होवे ते सच्चाई की हार होए, सच्चाई की हमेशा जित होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।